बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं गेटू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आज है 24 सितंबर, जिसे तमगर भी कहते हैं, गर्मी के हवाले से मंगल है। और आप देख रहे हैं गेटू शहर मेरे साथ। 9:30 से लेकर 11 बजे तक जनाब आपसे हम बहुत सी बातें करेंगे, बड़े मज़ेदार से। आज के बड़े पावर पैक किस्म का हमारा शो है। ये गेस्ट हमारे बड़े जो है ना वो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले, सारे मेहमान बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन दो ऐसी आपको शानदार और जानदार खवातीन से मैं आपको मिलाऊंगी जो कि मेकअप रूम में तैयार हो रही हैं, और क्या उन्होंने काम किया है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सी खवातीन के लिए भी। प्लस मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कल आपने देखा था हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम जो कि हमने 12 रबीउल को पेश किया था, और आप सब ने उसको इतना पसंद किया, इतनी पजीराई मिली कि उसके जो व्यूज़ है तकरीबन 66,000 तक पहुंच चुके हैं यूट्यूब पे। और आप लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, आप लोग हमें गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने हमें सही तौर पे गाइड किया और रहनुमाई की वो हमारे मशर हैं, सर कामरान सर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी रहनुमाई है और आपकी सपोर्ट है कि लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया। ये हम पूरे चैनल के लिए बड़ी अच्छी बात है, फ़ख्र की बात है, खुशी का मकाम है। मैं तो सिर्फ एक वो फेस सामने आता है ना, पूरी एक टीम होती है जो कि ये प्रोग्राम करती है, और इसीलिए वो कल दोबारा चलाया गया था ताकि आप उसको देखें और इन्जॉय कर सकें। और फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने मुईज़ को बुलाया है कि आज मंडे को नहीं, वो ट्यूसडे को परफॉर्म करेंगे, और दो बड़े अमेजिंग से गेस्ट हैं और बहुत सी बातें हैं। और आज क्योंकि 24 सितंबर है ना, ये खास दिन है मेरे लिए भी, वो इसलिए कि नॉर्मली हम बताते हैं कि इंटरनेशनली आज ये हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आज का दिन मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने K2 TV ज्वाइन किया था, और आज के दिन मैंने पहला अपेयरेंस दिया था। एज अ गेस्ट आई थी मैं, और मैजबी का प्रोग्राम था, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, उनकी मसरूफियत थी, तो मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट गई थी। और चांद मियाँ साथ थे जो कि होस्ट कर रहे थे, और सादिया थी, और बड़ा मज़े का प्रोग्राम था वो। और उसके बाद सिलसिला ये शुरू हो गया और मैं इस फैमिली का हिस्सा बनी, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कैवान की बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं खैबर नेटवर्क का हिस्सा हूँ, और ये मेरा वो तारुफ है जो कि बड़ा मैं प्राउडली बताती हूँ। और भी हैं, मेरी फैमिली है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, लेकिन ये जो नेटवर्क है ना, इसकी वजह से मेरी पहचान बनी और मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं भूल सकती मैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम मैनेजमेंट का, पूरी टीम का, सब का, उन तमाम दोस्तों का, अमाद इसमें शामिल है, मैं नहीं भूल सकती, मेकअप टीम है, और मेरे प्रोड्यूसर्स हैं इनके साथ मैंने काम किया, चाहे वो शाजी हो और यासिर हैं, इसके अलावा नईम भाई हैं, बहुत बहुत से लोग हैं इनके साथ मैंने मॉर्निंग शोज़ किए। क्या बताया आपने, हाँ शब्बीर भाई के साथ मैंने बहुत से मॉर्निंग शोज़ किए, उनका बहुत शुक्रिया। और गुलदाद भाई आज बड़े हैंडसम बनकर आए हैं, दूल्हे दूल्हे से लग रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया सबका। और ये सब साथ ना हो, टीम वर्क ना हो तो हो नहीं सकता, बल्कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो हमारे जो गार्ड चाचा बैठे होते हैं ना, वो हैं। वो जब भी आती हूँ इतने प्यार से सलाम का जवाब देते हैं, मेरे खुद सलाम करते हैं, मेरे से बड़े हैं। ये वो मोहब्बतें हैं जो मैंने इन 4 सालों में समेटी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मौजूद हूँ। अदरवाइज़ आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जाके देखें तो आपको ये मोहब्बत, ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हमारे जो गेस्ट भी आते हैं ना वो यही कहते हैं कि रिसेप्शन से लेके आपके होस्ट तक मैं भी शामिल हूँ, बाकी लोग भी हैं, आपको बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं। बात होती है मोहब्बत और इज़्ज़त की, और मेरा ये ज़िंदगी का मंत्रा है कि मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। बहुत ही ऐसे कोई ढीठ किस्म के लोग होते हैं जिनको अगर मोहब्बत दी जाए तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में नहीं देते। एनीवेज जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है हम सब के लिए, मेरे हवाले से भी। 0514102357 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं कि आज का दिन अगर आपके लिए अहम है तो वो क्यों है, बताइएगा ज़रूर। और एक सवाल मैंने आपने आपसे और पूछना है कि कोई कभी ऐसा हुआ आपके साथ, हुआ तो होगा, कि किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया हो या कोई हक तलफी की हो और आपने उसको माफ़ कर दिया हो, तो क्या आप ऐसे इंसान को दोबारा चांस दे सकते हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया है। मैं माफ़ ज़रूर कर देती हूँ, माफ़ करना चाहिए, ये बड़ी बड़ी सिफ्त होती है, बहुत बड़ी, लेकिन मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकती, मैं डिस्टेंस अख्तियार कर लेती हूँ, मैं इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। मेरे लिए वो इंसान का होना ना होना बराबर है, लेकिन माफ़ मैं कर देती हूँ, बिकॉज माफ़ करना, सज़ा जज़ा का जो हक है ना वो हमारे पास नहीं है,
ठीक है जी, 051-410-2357। और मुइस आ भी जाओ, आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ, पीछे से आ जाओ यहाँ से। मुइस जो है उसे टॉम एंड जेरी का जो है ना वो गेम चला रहे हैं, और बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा मेरे ख्याल से मुइस का भी। तो अब आप होंगे और मुइस है, फरमाइशें कर सकते हैं 051-410-2357 पे, और बात करते करते मेरे साथ भी और मुइस के साथ भी। मुइस जब आप कहोगे तो कैमरा आपकी तरफ कट हो जाएगा। एक मिनट, जब वो रेडी हो जाए ना, रेडी हो जाए, स्टार सेलिब्रिटी है ना अभी टाइम। हाँ जी आ जाए। हाँ जी क्या हाल चाल है? हाय, मैं तो ठीक ठाक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा पूरा वीक? हाय, अच्छा गुजरा, बस गुजर गया। क्यों, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही सही? क्या, नींद पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्या वजह है। तो देर तक ना नेट पे बैठा करो ना, ऑनलाइन ही सारा कसूर इस फोन का है। हाँ, शायद ये वजह है, सोशल मीडिया जो है ना वो आजकल बड़ा जो है नींदें भी उड़ा रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आपने एक बड़ी प्यारी रील शेयर की थी, आप किसी महफिल मिलाद में शरीक हुए थे। जी, वो क्या इवेंट था? वो इवेंट ये था कि आपको पता होता है कि मिलाद का महीना है तो ऑब्वियसली मिलाद होते रहते हैं, तो वो एक बड़ी खूबसूरत सी महफिल थी, हमारे दोस्त यारों की, सारे जितने भी रिलेटिव्स थे वो इकट्ठे हुए थे। अच्छा। तो हमने उसमें जो रील बनाई थी वो अपलोड की थी। तो घर में भी आपको उतनी इज्जत मिलती है जैसे बाहर मिलती है? नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हाँ पॉइंट है, नहीं देखें शायद इस टैलेंट की वजह से मिल जाती है। हाँ, वरना तो घर वाले किसी को नहीं पूछते। घर का सबसे बड़ा फैन कौन है फैमिली में? वैसे घर का सबसे बड़ा फैन कौन है? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब भी फैन है। सारे फैन है, शुक्र है, शुक्र है, सब फैन है। अच्छा, सबके सब फैन है। अच्छा। किसी को भी नहीं छोड़ा, जो रह जाता उसको भी फैन कर देते। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा जी, आज आप क्या सुनाएंगे? हाय, बड़ा दिल के क्लोज वाली चीज सुनो। ये भी दिल के क्लोज है? हर चीज दिल के क्लोज है मेरी। क्या है? मेरी लिस्ट ही ऐसी है। अच्छा, आपको पता है मुझे जो सिर्फ अली खान का एल्बम रिलीज हुआ है? हाय, किसको नहीं पता। हाँ। 34 इयर्स, ओए होए होए, 34 साल के बाद पीटर गैब्रियल भाई आपको शुक्रिया। हाँ। हम पाकिस्तान से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें गोल्ड प्रोवाइड की। बिल्कुल सही। और ये वाकई जितने भी सिर्फ अली खान साहब के फैन हैं उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तोहफा है ना। चार कवालियां इसके अंदर? नहीं अभी वो चेक कर रहे हैं, साथ रिलीज हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5 हो गए हैं। अच्छा, तो अभी तक उन्होंने 4 से 5 कवाली रिलीज की हैं। वो फिर उन्होंने रिमेक, मैंने तो पूरी मेकिंग देखी है, उन्होंने दोबारा वही जो जिसने तबला प्ले किया था 34 साल पहले उसी को बुला के उन्होंने तबला प्ले करा। अच्छा, मतलब वो सारी चीजें जो है एज इट इज, जो आपको पता है जो बाहर के जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं वो जरा चीज पे उसके और मतलब जो ओरिजिनल टोन है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने उसी तबले आर्टिस्ट को बुलाया जिसने खान साहब के साथ बैठ के बजाया था, वो आगे बेचारा रोने लग पड़ा, कहता है 34 साल पहले हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था। और ये लेगेसी है जो आगे चल रही, क्योंकि अब शाहजमान है राहत फतेह अली खान के बेटे, वो भी परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू कर दी है, और अल्लाह करे वो भी ऐसी गाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो मैंने कुछ तहफ भी आपको दिखाने हैं, आपकी मोहब्बतें मुझ तक मिलती रहती है। लास्ट टाइम वजीना ने दुपट्टा भेजा था, आज एक और हैंड पेंटेड दुपट्टा है, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें, उसका भी जिक्र करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले एक गाना जो है ना वो होना चाहिए सुबह सुबह। आपने सुना होगा मोरा सैया? हाँ शायद सुना है। मोरा सैया मुंह से बोले ना, हाय हम आज का, लेकिन ये उससे मिलता जुलता है और ये बहुत फेमस सॉन्ग है। होप सो जितने सुनने वाले हैं उन्होंने लाजमी सुना होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं आज सुनाऊंगा। आज सुना देंगे। ये भी बहुत खूबसूरत कलाम है। बिल्कुल सही। एक शफकत अमानत अली साहब है हमारे जिन्होंने मोरा सैया गाया था, और एक शफकत अली खान साहब है, तो ये उनका कलाम। बिल्कुल सही है। लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया हमरे बात देखो, माने ना पिया हमरे बात देखो, लाख जतन कर हारी। सोतन संग वो प्यार करत है, सोतन संग वो प्यार करत है, अब नहीं देखे हमरी तरफ रे,
देखो बात ही मानी सारी, देखो बात सारी मानी, लाख जतन कर हारी रे, मैं तो माने ना पिया हम रे बात, देखो लाख जतन कर हारी। बात है, क्या क्लासिकल टच हो तो उस गाने की, क्या चार। ये शाम जो रास्ते जो उनका घराना ही, उनका लेगेसी में चलता आ रहा सॉन्ग। और फिर जब इन्होंने इसका एक मतलब दोनों खानदानों ने जो मिलके वर्जन बनाया था, बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें मोरा सिंह और ये सॉन्ग उन्होंने मिलके गाया था। वो उस कलेबरेशन का नाम भी उन्होंने रखा था शफकत एंड शफकत, शफकत एंड शफकत, क्योंकि शफकत मान अली साहब और शफकत अली खान साहब ने मिलकर वो कलेबरेशन की थी। शफकत अली खान साहब बहुत बड़ा नाम है और दोनों माशाल्लाह। और जब उन्होंने कलेबरेशन की थी तो जितने म्यूजिक फैंस थे हम जैसे, हम तो पागल ही हो गए थे, हमने कहा क्या बात, क्या बात है जी, और क्या ही बात है। बताएंगे मैं आज के, बताएंगे ये गई कौन है, देखते हैं फर्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, यला बोलो आप, कॉल मिलाइए तो बात करो। हेलो, टेस्टिंग 1 2 3, दोबारा कॉल कीजिए 0514102357 पे, काम कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी आपको क्लासिकल म्यूजिक के साथ हमने वेलकम किया, बल्कि मुइज ने वेलकम किया, और शफकत एंड शफकत के नाम से ये गाना यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ये गाना लाख जतन कर हारी के नाम से अवेलेबल है, और ये गाना जो है वो मैशअप की सूरत में जो दोनों की कलेबरेशन थी, शफकत एंड शफकत नाम से भी अवेलेबल है, उसमें मोरा सैया का भी टच मिक्स है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, जो चीज़ मैं बहुत बार मैंशन कर रही थी लास्ट वीक्स में भी, कि जो फ्यूजन म्यूजिक आ रहा है, इसका कल्चर हमारा रवायती रंग नजर आ रहा है ना, वो बड़ा हसीन लग रहा होता है, खासतौर पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। अगर इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, आजकल तो दूसरे हमारा म्यूजिक ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कौन सा वाला? आपने पंजाबी जितने भी सुन ले, पंजाब जितना भी हमारे नेबर में चल रहा है, हाँ। वो हमारा ज्यादा चल रहा है, वो हमारा हाँ। भंगड़ा और ये फोक ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और हमारा भी बेसिक म्यूजिक तो यही है, बेसिक म्यूजिक यही है, यही है। बिल्कुल जनाब, और अगर आपको भी गाने का शौक है तो अपने फन का मुजाहरा आप कॉल करके कर सकते हैं 0514102357। इसके अलावा मैं एक सवाल पूछा था कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है या आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया, रोमांटिकली ना भी हो, आप लोग आप जो है ठेस पहुंचा देते हैं, तो क्या आप उनको माफ कर देंगे कि नहीं, दोबारा चांस देंगे कि नहीं, जरूर बताइए। मुइस, आप क्या करोगे? देखिए, मैं तो उसमें एक छोटी सी बात करूंगा कि देखिए, कोई भी गुस्सा और लड़ाई हो तो उसका जवाब फूल से दो, लेकिन शर्त यह है कि वो फूल उसकी कब्र पे हो। अच्छा जी, सही है। इस बात के अंदर एक बात है, इस बात के अंदर जो हम ब्रेक पर डिस्कस करेंगे। सीमा को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इधर ही सीमा बोल रही हूँ, क्या हाल है आपका? ठीक है? मैंने पहचान लिया सीमा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। एक तो मैंने आपको मुबारकबाद देनी थी, जो आपने ईद मनाकर नबी पे बहुत खूबसूरत महफिल सजाई और उसमें बहुत खूबसूरत नात वहाँ बच्चियाँ लड़कियाँ आई हुई थी और बहुत खूबसूरत उन्होंने नाते पढ़ी। बहुत शुक्रिया सीमा, बहुत शुक्रिया। हाँ, और दूसरी बात मोहित के लिए कि मोहित माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अब सिंगर बन गए, इन्होंने गाना गाया गुलाबी आंखें मोहम्मद रफी का, तो मैंने मोहम्मद रफी का भी गाना सुना और इनका भी सुना, तो मुझे समझ नहीं लग रहा इसे मोहम्मद रफी कौन है और मोहित कौन है। थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। हां, गुलाबी आंखें इन्होंने गाया है, मैंने इनका सुना है। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा जी, ये पूरा होमवर्क करके सीमा कॉल करती हैं जी। मोहम्मद रफी गाने में बहुत सुनती है ना, तो फिर मैंने मोहित को देखा, उसने भी गाया और मोहम्मद रफी ने, लेकिन समझ नहीं रही थी दोनों गानों में से मोहम्मद रफी कौन है मोहित कौन है। थैंक यू सो मच, इनको मेरे मुबारकबाद दे रहे हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वाह वाह वाह, क्या दिल खोल के तारीफ की जा रही है सीमा। एक डुएट हो जाए आपको और मुइज़ का, तो गाना होना चाहिए। मरे मुल्क का फरमाया, नए गुलकार मरे मुल्क का फरमाया, अल्लाह इनको तरक्की दे, आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करे। आमीन इंशाल्लाह, आमीन आमीन। जिस तरह किशोर कुमार मोहम्मद रफी ने इंडिया का नाम रोशन किया, ये भी इंशाल्लाह ताला हमारा नाम रोशन करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको एक बात बताएं कि आपने दुरूद शरीफ की बुक के बारे में पूछा, तो जहाँ से इस्लामी किताबें मिलती है ना जी जी, हेलो जी 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 जी, हाँ आपने मुझे पूछा था कि दुरूद शरीफ के बारे में, तो जहाँ से इस्लामिक बुक्स मिलती है ना वहाँ से आप दुरूद शरीफ वाली बुक्स ले ले। अच्छा सही है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे हर किस्म के दुरूद पाक लिखे होंगे, साथ उनके फायदे उनका सब कुछ लिखा होगा। बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही है सीमा, बड़े से बड़े बहुत से आप ना पढ़ सकती। ठीक हो गया सीमा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल, बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने का। और मेरे नजदीक दुनिया का अमीर तरीन इंसान हुआ जिसके पास दुआओं का जखीरा हो, और आज आपका दिन का आगाज दुआओं के साथ हो गया। थैंक यू सो मच। और हमें कॉल करते रहिए 0514102357 पे। और इसके अलावा मैंने कुछ आपको जिन लोगों ने हमें तारीफ की तो तारीफ के जरिए तारीफ की उनका जिक्र भी मैं करना चाहूँगी। एक असल में पूरा पैकेट मैंने कहाँ रख दिया, देखो मेरे पास जो है ना ये खजाने पड़े होते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं उन खवातीन को खासतौर पर इनक्रेज करूँ जो घर बैठ के काम करती हैं, जो कि चादर और चार दीवारी का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनके पास ये भी जिम्मेदारी कि उन्होंने घर को चलाना है। ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं आपको मिला रही हूँ दानिया एंड हारून कलेक्शन। अच्छा जी, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। एक तो पहले इन तारीफ का बहुत शुक्रिया। ये है जी ग्लो अप, यानी कि स्किन को ग्लो करने के लिए उन्होंने ये कलेक्शन बनाई है जी। सारा ये हैंडमेड, हैंडमेड इसलिए कि वो घर पे इन्होंने काम करना शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से उन्होंने पूरी एक रेंज बनाई है स्किन की, हेयर की, नेल्स की। इसके अलावा परफ्यूम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। दानिया एन हारून कलेक्शन के नाम से ये अवेलेबल है, और ये सारा ऑर्गेनिक काम है, केमिकल फ्री है, और ऐसे तमाम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अभी तो ये मैंने अनपैक इसको किया है, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद मैं बताऊंगी कि, लेकिन इनकी जो परफ्यूम्स थे वो 8 से 9 घंटे इन परफ्यूम्स ने निकाले हैं। 2 मुझे भेजे थे, एक टूट गया जो मेरा फेवरेट था, वरना मैं ज़रूर वो लगाती। लेकिन ये कि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जो पाकिस्तानी काम है, ख़ासतौर पर जो स्टार्टअप स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनको ज़रूर ज़रूर इनक्रेज करें। एक दफ़ा आपकी चीज़ ज़रूर लें और उसके बाद की रहनुमाई करें। हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि जी तनकीद करके बुरा भला बोल के अपना दिल का गुबार निकाल लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जो लोग काम करते हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन काम करती हैं, घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, ससुराल सब फैमिलीज को देख के चलना, और फिर इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाना एक बहुत काबिल तारीफ काम है। सो हारून दानिया कलेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया इन प्रोडक्ट्स का। मैं यूज़ करके बताऊंगी। और इसके अलावा एक हैंडमेड दुपट्टा मैंने दिखाने, लास्ट टाइम रोजीना ने वो दुपट्टा भेजा था हमें, और एक और दुपट्टा कहाँ गया, ठहरे एक सेकंड। हाँ देखो ज़रा, मैं सारी स्त्री ख़राब कर दी इसकी। ये जी मरियम का डिज़ाइन किया हुआ दुपट्टा है। अरे मैं खड़े होकर दिखा दूँ, ये देखिए जी, ये देखिए, इस पर उन्होंने जो है वो हरूफ़ तहजी लिखी हुई है। ये टिशू के ऊपर, सॉरी ऑर्गेन्जा के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। ये सारा हैंडमेड है, और इस पर उन्होंने हरूफ़ तहजी उर्दू में, कोई जुमला वगैरह नहीं है, मैं करेक्शन कर दूं कि कोई ये ना समझे कि किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी है। और ये मरियम का जो पेज है वो मौजूद है, मैं इंस्टाग्राम पे इनको टैग कर दूंगी। बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत तहाइफ का। हाथ का काम है इसके ऊपर सारा उन्होंने किया हुआ, और टेसल्स वगैरह लगाए हुए हैं। दुपट्टे जो के हैं वो हमारे लिए काबिले इज़्ज़त और हमारी शान बढ़ाते हैं, हमारे लिबास का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। और अगर आप भी ऐसा कोई काम करती हैं घर बैठे, और आप चाहती हैं कि हम उसे प्रमोट करें, तो आप आइए हमारे टेटू शहर में, अपना काम दिखाएं, हम उसे प्रमोट करेंगे। और जगह आपने अपनी खुद बनानी है, प्लेटफॉर्म हम दे देते हैं लेकिन जगह आपने खुद बनानी है। कॉल कीजिए 0514102357। सवाल भी हमने आपसे किया, उसका भी जवाब दीजिए। और अब हम मिलाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद आज के 2 बहुत ही अमेजिंग से मेहमानों से। दोनों ख़वातीन हैं, और ये वो ख़वातीन हैं जो अपने साथ ख़वातीन का टोला लेके चल रही हैं, यानी कि जो काम उन्होंने किया है वो उनकी हद तक महदूद नहीं है, वो अब आगे अपॉर्चुनिटीज़ बना रही हैं, नौकरियां क्रिएट कर रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं। कॉलर जी, जी कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका तारुफ क्या होगा? जी रोजीना बोल रही। ओ हाँ रोजीना, कैसी हो, खैरियत से हो? जुकाम से गला खराब हुआ जी। हाँ वही आवाज जरा मुझे चेंज सी लग रही है ना। जी। और आपकी पहले तारीफ करनी है ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सेट था, हर चीज बहुत खूबसूरत थी, और जो लोग आए वो भी बहुत खूबसूरत, उन्होंने कलाम पढ़ा आपके लिए, नुमान भाई के लिए, गुलजार भाई के लिए, अपने लिए दुआ की के अलावा हमें भी अपने घर बुलाए। बहुत शुक्रिया रोजीना, एक छोटी सी काविश थी आप लोगों ने, बहुत खूबसूरत था आपकी हर चीज जो थी ना,
और जो कुछ भी आपने किया था, एक फूल की पत्ती से लेकर बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज तक, उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत थी। और इस प्रोग्राम को जितनी बार भी देखा जाएगा उतनी बार अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत सारी थी, अल्लाह पाक इसको कबूल करे, आमीन आमीन। आप इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम करें, और आपको खेतों में 4 साल हो गए इसके भी मुबारकबाद। और आपने क्वेश्चन किया था कि लोग जो व्यक्ति, तो मेरे साथ तो जिंदगी में बहुत दफा हुई हुए, अल्लाह रसूल के वास्ते माफ करे तो अब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दुख तो होता है, हाँ। बार बार डरते जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं यार, ये बंदा आया परेशानी में आया तो हम इसकी मदद करें, क्योंकि अल्लाह पाक का हुक्म है कि मैं आपके सामने उसी शख्स को भेजता हूँ जिसको मैं आप उसके दिल में डालता हूँ कि जाओ फलां के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे काम आएगा। ये अल्लाह की सादत होती है। तो ठीक है, धोखे खाते हैं, तकलीफें भी उठाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं नहीं, अल्लाह की रजा है, शायद कल हमें भी मुश्किल में आए तो कोई हमारा भी इसी तरह साथ दे। तो आपको इस बार फिर बहुत मुबारक, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे, बहुत शुक्रिया। सलाम, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम। और एक बात और, हाँ। आपने लास्ट में ना आप खड़ी हुई थी और सारा पूरी टीम के लोग थे, आइंदा आप ये कीजिएगा जब आप इस तरह का कोई एंड करें ना, तो हर शख्स मतलब जैसे गुलजार भाई है, अमाद है, जिन हम जानते हैं, उसके अलावा जो कैमरा मैन है उनको आप ना कहीं के भी अपना नाम लें पर मोबाइल, ताकि हम उनको पहचान मिले। बल्कि ऐसे करते किसी दिन प्रोग्राम करते ना टीम के साथ, उन्हें बिठाते हैं यहाँ पे। जी जी जी, जी है ना, ये बड़ी ख्वाहिश है मेरी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन सब लोगों को जो इतना अच्छा काम करे, जी वो जो है ना वो लोग हैं आबे हयात इकट्ठा करते हैं सारी जगह से, ठीक, और उस आबे हयात को देते हैं रिदा के हाथ में एक कुएं में बंद करके, तो जो लोग इतनी एफर्ट करते हैं उनको सामने नाम के साथ आना चाहिए। What an idea. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, मैंने आप, मैं बारह ये कहती हूँ, क्रेडिट मैं कभी नहीं लेती अपने सर पे, ये पूरी टीम है जो एफर्ट करती है, तो आपके लिए प्रोग्राम जो है वो एक हम तैयार कर सकते हैं, और फिर आपको पसंद करते हैं तो फिर सबका जो है ना वो बड़ा खून ढेरों बढ़ जाता है। ये है सूरत हाल सारी की सारी। मैं घर के काम शाम शुरू कर दूँ, जरा मैं जरा दुपट्टा तय कर लूँ, आप लें छोटी सी ब्रेक, K2 सैर देख रहे हैं। जनाब वेलकम बैक टू K2 सैर, मैं हूँ रिदा इमरान, और हमारे लिए आप सबकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने शो को डिज़ाइन करें आपकी पसंद नापसंद को सामने रखते हुए। जैसे अभी ब्रेक से पहले रोजीना ने कॉल की 0514102357 पर, और कहा कि आप तो सामने नज़र आती हैं, आपको देखते हैं, लेकिन वो टीम जो बिहाइंड द कैमरा काम कर रही है, इसमें कैमरा पर्सन हैं, कंट्रोल रूम में लोग बैठे हुए हैं, गुलदाद भाई हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत से लोग हैं, ज़रा उनसे तो मिलाएं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो फिलर जो हमने 12 रबी अव्वल की मुनासिबत से तैयार किया था, हमारी तरफ से मुबारकबाद थी आप सबके लिए। और
मुबारकबाद। जी देखा आपने किस तरह मोहब्बतों से भरा पैगाम आप तक पहुंचा। इसमें मौजूद है जी हमारे कैमरा पर्सन हैं नूरानी भाई, सब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा रहमत हैं, रियासत भाई हैं और गुलदाद भाई और अमाद को तो आप जानते हैं, हमारे प्रोड्यूसर और जो कोऑर्डिनेट करते हैं गुलदाद भाई। अच्छा इलेक्ट्रिशियन इमरान भाई हमारे साथ ही, जिन लोगों को आपने देखा मैं उनका तारुफ करा रही हूँ। इसके अलावा एडिटर यासिर जेब और मेकअप से मरियम ने हमें ज्वाइन किया था, जो डेली में हमारा मेकअप करते हैं वो थी। और ऑडियो इंजीनियर खुरम शहजाद ने इस मैसेज में अपना किरदार अदा किया, आप तक ये मोहब्बत भरा पैगाम पहुँचाया। रुजीना की फरमाइश पे हमने आपको मिला दी एक दफ़ा फिर से अपनी टीम से। इंशाल्लाह गाय बगाई सबसे आपको मिलाते रहेंगे, पूरा एक प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे। और एक नाम मैं भूल रही हूँ, आप थे मुइज़ भी था। हाउ कैन आई फॉरगेट। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलाते हैं आपको आज के मेहमानों से। राबिया से मुलाकात हुई थी तकरीबन ऑलमोस्ट साल हो गया है, मेरी मॉर्निंग शो में आई थी और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करती हैं, सीईओ हैं बियाज इंटीरियर की। इसके अलावा एनएलपी की काउंस क्या है आप काउंसिल किससे भी इनका राब कनेक्शन है, क्या है किस तरह से यहाँ तक पहुँची, क्या कुछ करी, बड़ा लंबा तारुफ इनका खुद भी बताएंगी। और उनके साथ बैठी हैं जी हमारी बहुत ही प्यारी सी मेहमान जो कि पहली दफ़ा मॉर्निंग शो का हिस्सा बन रही हैं, लेकिन अब आती रहेंगी, हमने इनसे इतना पक्का रब्ता कर लेना है कि इनसे मुलाकात होती रहेगी। रिजवाना आसिफ साहिबा जी जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। इसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं और सीईओ हैं इमर्जिंग विजन की, दोनों खवातीन का, दोनों लड़कियों का बहुत शुक्रिया आने का जी, खुश आमदेद कहते हैं आप दोनों को। बहुत शुक्रिया मैम, तो फर्स्ट टाइम आई हैं जी। जी क्यों नहीं आई आप इससे पहले, आप बुलाते तो ज़रूर आते। हाँ ये बात भी है, ये बात भी है। अच्छा राबिया से मुलाकात हुई थी साल हो गया ऑलमोस्ट, हाँ विंटर्स में, विंटर्स में मुलाकात हुई थी। अब तक बीएस इंटीरियर जो है कहाँ तक पहुँच गया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर लिए उस टाइम तक तो हमने। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं बीच में, हमने अभी स्कर्दू में काफ़ी रिजॉर्ट्स बनाए हैं, ठीक है, और स्कर्दू भी, और कुछ हमने फार्म हाउसेस बनाए हैं चकबेली में, फिर उसके अलावा कमर्शियल काफ़ी काम किया है, रेस्टोरेंट मार्कीज और बहुत से प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं कि जो वेरी रिनाउंड प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी स्टिल हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए इससे अच्छे अच्छे जो भी प्रोजेक्ट्स हों तो उसको हम लेके चलें। ज़रूर ज़रूर। एनएलपी के हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या है ये प्लेटफॉर्म? इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, इट्स अ पॉजिटिविटी बेसिकली। अच्छा। कि आप आजकल का जिस तरह का आपको पता है लोग जमाना एटमोसफियर जहाँ बैठते हैं नेगेटिविटी है, तो यू हैव टू बी लाइक वर्किंग ऑन लाइक कि आपने उनके साथ बैठना है और उनको पॉजिटिव वाइब्स देनी है, नेगेटिव ले लेनी है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनमें डाइवर्ट करनी है। अच्छा। और हर चीज़ को उनको एक पॉजिटिव रिव्यू देना है, ना कि हर पहलू दो होते हैं, तो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, हर बात के दो मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एनएलपी में आपको पॉजिटिव रिव्यू की तरफ लेके जाया जाता है कि जो देख रहे हैं उसको आप पॉजिटिव वे में लेके चलें, उसका आप नेगेटिव पहलू भूल जाएं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर एक बंदे ने आपकी गाड़ी मारी है तो आप उससे लड़ने के बजाय ये सोचते कि वो जल्दी में था, सही ना, इससे लड़ने काम है, मुश्किल काम है, हाँ। उसके लिए आपको उनको बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, ये लाइक टाइम लगता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। रिजवाना आसिफ साहिबा जी साथ हमारी बैठी हैं, प्रेसिडेंट हैं जी आप, न्यूली इलेक्टेड हैं आप, कितना अर्सा हो गया आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरा टेन्योर 2 साल का था। ठीक है, ठीक ठीक, ऑलमोस्ट एंड। अच्छा, सही 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 सही। तो कितना मुश्किल लगा ये सफर? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, खवातीन को हेड करना, 2 साल उनको गाइड करना, मुश्किल तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। जब आपको, अब जैसे राबिया ने कहा कि पॉजिटिविटी की तरफ सोचते हैं, ठीक, तो पॉजिटिविटी ये है कि हम लोगों ने ख्वातीन के लिए काम करना है, उनको उनकी बिजनेसेस को आगे लेके जाना है ट्रेडिंग की तरफ। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में 51% ख्वातीन है जी, जी। और ज़ाहिर है अगर 51% ख्वातीन की आबादी है और वो मुल्क की मईशत में हिस्सा ना ले तो फिर तो हमारे मुल्क का गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा जो चेंबर्स है, हम लोग काम करते हैं टुवर्ड्स विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड टू ब्रिंग विमेन टू बी एन एंटरप्रेन्योर. क्योंकि देखें बहुत से लोग, बहुत से बच्चे भी जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तो वो जॉब्स ढूंढते हैं. बिल्कुल सही. तो हम कोशिश ये करते हैं कि बजाय इसके कि वो जॉब्स ढूंढे, दे शुड क्रिएट जॉब्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ठीक ठीक ठीक. तो हम लोग इस सफ़र में काफ़ी हम लोगों ने काम किया, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए. तो इन अ वे इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है ये चीज़ कि मैं किसी के काम आऊँ और उनको, और चूँकि औरतें जो होती हैं जब वो काम करती हैं तो दे आर मल्टी टास्कर्स. सही. तो दे डोंट हैव टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. एग्जैक्टली. सो यू नो दे आर बेटर ह्यूमन बींग्स. हाँ. तो वो फैमिली की को भी देख रही होती हैं, वो फिर कारोबार भी, फिर अपनी जाहिर है फैमिली की भी और डिमांड्स होती हैं. तो मेरे ख्याल से बहुत मज़े का सफ़र रहा. अच्छा सफ़र रहा. अच्छा आप दोनों से सवाल है कि एक वर्किंग वूमन मुझे लगता है ज़्यादा विजिलेंट होती है टूवर्ड्स हर किड्स, अपने घर के एनवायरनमेंट के हवाले से, उसको खाना तैयार करके जाना या करवा के, अगर स्टाफ है तो ठीक है, तो इस खुद करना है. बहुत सी खवातीन तो खुद काम करती हैं ना, रोटियां बना के हॉट पॉट में रख के आना, तो ये जिम्मेदारियां आप भी घर की दोनों पूरी करती हैं. अच्छा पहले आप बता दीजिए. मेरा एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है. मैं झूठी बोलूंगी. मतलब देखें वो ये कि हम अपने नंबर बनाने के लिए मैं कहूँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ये कौन सा तुमने, नेक्स्ट टाइम भाई को साथ लेकर आना, तो उनको मैं लेकर आऊंगी. फिर वो जरूर आपको हर चीज बता देंगे. लेकिन ये है कि मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि मैं कुकिंग करूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम दो हैं और एक हमारा बेटा है, तो वो हम तीनों वर्किंग है, तो हम सुबह जाते हैं, हम रात को आते हैं, तो हमारी एक रूटीन जरा डिफरेंट है. तो लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है तो घर को मैनेज करना, कुकिंग जो भी मेरी ख्वाहिश होती है, आदत से मजबूर होते हैं ना, हम ख्वाहिश तो है. और जब एक घंटा भी हो कुछ हो तो मैं ये कहती हूँ कुछ कर लूँ, टाइम वेस्ट ना हो. लेकिन जब आप रात को लेट आ रहे हैं और पूरा दिन यू आर कमिटेड, तो उसमें ये होता है कि बस सुबह को जो करवाया मेड से करवा के तो बस हम लोग फिर निकल जाते हैं. तो बस हमारी इस तरह की रूटीन है. हमारे घर में अमेरिकन सिस्टम है एक्चुअली, सब अपना अपना करते हैं. अच्छी बात है. मेरे हस्बैंड चाहे मेरा बेटा, तीनों अपना अपना करके चले जाते हैं. चलो अच्छी बात है. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बेटा क्योंकि बड़ा है माशाल्लाह, छोटा तो ऑफ कोर्स तब तक तो सब कुछ करी थी, जब उसको बड़ा कर दिया, अब उसकी शादी है इंशाल्लाह, उसकी बीवी उसको सब शादी होने वाली है. माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है. तो कैसी बहू ढूंढी है? उसको ये कहा था मैं, अब आप दोनों जो करना चाहते हो करो, मैं उस तरह की सास नहीं बनना चाहती ना. टिपिकल आजकल की सासों के पास टाइम ही नहीं है. टाइम ही, वो कहती है आपके पास टाइम ही. मैं कहती टाइम नहीं, तुमने जो करना है करो, डू व्हाटएवर, अपना आगे फ्यूचर देखो, कहीं मेरी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. वेरी नाइस, ऐसे ही होना चाहिए. इसी तरह वाला जी आप बताइए अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से. स्कूलिंग कहाँ से हुई? इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं नौशहरा से हूँ, केपीके. और स्कूलिंग मेरी वहीं की है, नौशहरा की है. और फिर उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी. आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो शादी के बाद कम्प्लीट की. अच्छा अच्छा. एंड आई वाज, पश्तो बोल सकती हैं? पश्तो पर्शियन दोनों बोल सकते हैं, तो कुछ होना. मैं आपसे एंड में पश्तो में मैसेज लूंगी. जरूर जरूर. श्योर. अच्छा. तो बस फिर जब तक वहाँ पे थे पेशावर में, तो तब तक तो जाहिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी, तो सब लोग हेल्प करते थे. आई वॉज टर्म बॉयश, तो मेरी मदर इन लॉ टॉलरेटेड मी अलॉट, अल्लाह उनको बख्शे, बहुत खूबसूरत खातून थी. तो मेरी माँ और मेरी सास बैठ के मेरी बुराइयां किया करती. अम्मी ने पार्टी चेंज कर ली. हाँ जी बिल्कुल, पार्टी चेंज. फिर जब इस्लामाबाद आई तो आई एम हियर फॉर द पास्ट 35 to 40 years. उसके बाद फिर जाहिर है घर के काम, बच्चों को बहुत. बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से तीन बेटे. अच्छा, तीन बेटे जी. अच्छा. आई एम दादी एज वेल. ओ जबरदस्त, आजकल दादियां आ रही है ना. तो बस फिर वो, हाँ मैंने बहुत, क्योंकि मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन चूंकि अच्छा. मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक था कि मैं उनको बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं और बकायदा टेबल के ऊपर सैलेड्स और सारा कुछ, तो वो फिर मैंने उनके लिए सीखा. अच्छा. और उनके लिए मैंने बहुत कुकिंग की. और अब गड़बड़ ये हो गई कि अब मैंने बिगाड़ दिया सबको, अब दे एक्सपेक्ट मी
कि मैं सारे काम करूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे हस्बैंड को भी ख्वाहिश थी, मैंने वो ख्वाहिश ही मार दी उनकी, टेबल पे खाना लगा हुआ हो, सैलेड बनी हो। मैं मेरे हस्बैंड को भी बहुत, मुझे नहीं आती थी, उन्हीं के शौक से मैंने, मुझे कुकिंग सब आती, आई कैन कुक एवरीथिंग, लेकिन मेरा कि जब कुकिंग करनी है बहुत प्रॉपर लेआउट होना चाहिए, टेबल भी, फिर मैं बड़ा, वो कहते हैं डिटेलिंग, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, हर चीजें, कोई चीज मेरी इस तरह नहीं है कि लोग ये कहते हैं आप वर्किंग वुमन भी, लेकिन आपका घर ऐसे होता है किसी ने ऐसे स्पिक एंड स्पैन है, क्योंकि मेरी चीजें बिखर नहीं सकती। अच्छा, लोग ज्यादा क्रिटिकली देखते हैं ऐसी खवातीन को, घर तो नहीं खराब हुआ हुआ है ना, एज अ डिजाइनर तो लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है ना कि एज अ डिजाइनर के शीज डिजाइनर तो आपका घर कैसा होगा। तो मैंने कहा, मुझे कहते हैं ना वो मोची का जूता अपना फटा होता है समटाइम, वो कहता है उसको अपना टाइम ही नहीं मिलता, तो हम लोग, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है लोगों को पसंद आता है, लेकिन एज अ डिजाइनर मैं ये सोचती हूँ अपना इतना ख्याल रखती हूँ, वी आर कनेक्टेड ऑन फेसबुक, ड्रेसिंग, अंगूठियां को चेक करें लड़की की और नेक पीस इतना प्यारा पहने, बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। शी लुक्स लाइक आई ऑलवेज कॉल हर माय बार्बी, शी इज माशाल्लाह, है ना, क्या क्या कहती है, मैं इसको माय बार्बी बोलती हूं, माय बार्बी, क्यूट, ये हमेशा मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स की बार्बी है, चेंबर में मेरा भी देखिए ना, इतना दो साल तो बल्कि तीन साल हो गए मुझे, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं ना, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं और मैं इस्लामाबाद चेंबर की आई एम कन्वीनियर इन इंटीरियर डिजाइनिंग सब कमेटी, बस कर दो, हाँ मैं, क्या रह गया इसके बाद, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है जी। इतनी खवातीन को लेके चलना, अब माशाल्लाह से इतनी टैलेंटेड खवातीन है, वो कहते ना कि एक बहुत घना दरख्त हो उसके नीचे मजीद दरख्त जो है वो नहीं फलते फूलते, आपने किस तरह मैनेज किया सबको, सब कॉन्फिडेंट खवातीन हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, इसमें ये है कि खवातीन को मैनेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको जाहिर है उनको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करना है, फिर हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट है समीना फाजल, सो शी इज एन एक्सलेंट एक्सलेंट पर्सन और अ गुड लीडर, बाज़ दफ़ा आपको पता है लीडर कोई अगर कुछ कह भी देता है तो शी इज अ लीडर, तो उसका ये है कि फिर सब रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, और चूंकि हम लोगों को हमारी जो चेंबर्स हैं यूजुअली वो तो सब चेंबर्स आर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो सब खवातीन को भी पता है कि यहाँ पे पैसे वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हम लोग सबका, हम सब इकट्ठे ही काम करते हैं, बल्कि हम ही वो कर रहे होते हैं अक्सर, फाइनेंस कर रहे होते हैं, तो उसमें ये है कि जब खवातीन को पता चलता है कि जाहिर है उनके कारोबार की बातें होंगी, उनके इंटरेस्ट की बातें होंगी, उनको ट्रेनिंग की बातें होंगी, तो फिर मुश्किल नहीं फिर सब लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन देखें हर जगह पे कुछ ना कुछ होते ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉट दैट आई फेस, सी चीज है, नेचुरल सी चीज है। अच्छा, हमारे साथ मुइज जो है वो मौजूद है, और राबिया ने कहा था कि रिजवाना जी बहुत अच्छा गाना गाती है, अल्लाह हू अकबर, आपके सारे भाग जाएंगे, नहीं भागते हमें, बड़े बड़े सिंगर हैं वो, अरे आप शेर व शायरी का शौक है, गाना सुनने का तो शौक है ना, गाना सुनने का शौक है, सुनने का बहुत शौक है, तो मुइज़ से दरख्वास्त करेंगे हम कि आप क्या सुनाएंगे, बहुत खूबसूरत सॉन्ग, अच्छा जी चलिए, आपको भी बहुत पसंद है, अच्छा कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले लें बलाएं तेरे सदके उतारें, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा
जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा। सदाएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। क्या बात है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, इट्स नॉट रोमांटिक सॉन्ग। कैफी 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 खली, आई एम रियली बैड विद नेम्स, क्या सिंगर है भाई, जबरदस्त। नहीं, गाना भी बहुत। आप लोग जब अनवाइंड करते हैं कभी तो मौका मिलता होगा ना, कोई हॉबी वगैरह तो म्यूजिक सुनती है, पेंटिंग वगैरह तुम तो इंटीरियर करते हो? मैं इंटीरियर तो बिजनेस है मेरा ना, इंटीरियर अब हॉबी थोड़ी रह गई है, वो तो प्रोफेशन हो गया। तो क्या ट्रैवलिंग करती हो? हाँ, मुझे घूमने का शौक है ज्यादा। अच्छा, ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम घूमने चले जाते हैं, कहीं होटलिंग रहने, स्टे करना, नई जगहों को एक्सप्लोर, क्योंकि आई एम इन्फ्लुएंसर एज वेल ना, तो मेरा ट्रैवलिंग, फूड। और राबिया का इंस्टाग्राम चेक करें जरा, जाके मेकअप हो जाए, फैशन हो जाए, ट्रैवलिंग हो जाए, इसने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है ना, हर चीज में। मैं कहती हूँ कोई चीज रहे ना, एंड यू आर माशाल्लाह परफेक्ट इन एवरीथिंग, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, सो टैलेंटेड। मैम आप क्या करती हैं? मैं भी ट्रैवलिंग करती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, और दूसरा मुझे शौक है जो यंग जनरेशन है उनके साथ बात करना, उनको थोड़ा सा गाइड करना। सो जब भी होता है मौका मुझे मिलता है, सो आई गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, मैं उनके साथ बैठ के बात करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इमर्जिंग विजन ये क्या है? इमर्जिंग विजन एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है एंड करियर काउंसलिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है लेकिन गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। और मैंने जैसे कहा, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज के मैं जाके बैठ के बच्चों के साथ बात करूँ, उनको समझाऊं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने टैलेंट का नहीं पता होता। समटाइम्स दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बी, समटाइम्स दे हैव दिस पीयर प्रेशर, कभी पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे कि उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं फिर उनके साथ घंटों बैठ के बातें करती हूँ। अच्छा। फिर उनको समझाती हूँ, सिखाती हूँ, और आई एंजॉय इट, बहुत ज़रूरी है। और फिर उसमें ये होता है, मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग विच माइट हेल्प देम मेकिंग देयर कैरियर्स। सोसाइटी को गिव बैक करिए ना। अच्छा, बच्चों में आजकल क्या चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, जो यंग जनरेशन है वो क्या आपको तंग करी, कौन सी चीज़ है? बेसब्री बहुत ज़्यादा, और बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, शॉर्टकट, सुन लो, शॉर्टकट सुन लो तुम। यानी दे कांट, मतलब उनको ये होता है कि बस हम बस मल्टी मिलियनेयर बन जाए। मतलब आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा? तो मैं उनको कहती हूँ कि दिस नो शॉर्टकट्स नहीं है, जो चीज आपने टाइम के साथ सीखनी है और उसको आराम आराम से करना है, उसको वो फल खाने का भी बहुत मजा है। आपको तो समझ ही नहीं आनी कि आपके साथ हुआ क्या है अगर आप इतने थोड़े टाइम में। एंड देन बच्चे, फिर ये भी होता है ना कि कभी कभी आपको पता है कि गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न, दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो थोड़ा सा फिर अगर मैं चार बच्चों का भी फ्यूचर इस उसमें कर देती हूँ तो फिर आई फील वेरी कंटेंटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव डन समथिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा रावी, अब बेयर्स इंटीरियर की बुनियाद कब डली थी? इट्स बीन 12 इयर्स। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, मैंने दुबई से स्टार्ट लिया था। अच्छा। और मैंने, आई एम लाइक क्वालिफाइड डिजाइनर, एक शौकिया डिजाइनर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो मैंने चेल्सी यूनिवर्सिटी से दुबई से किया था, ठीक। और फिर मैंने अपना पहला ही प्रोजेक्ट वहीं से स्टार्ट लिया, और फिर काफ़ी काम किया मैंने, और फिर मैं जब पाकिस्तान आई तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत अच्छे ब्रांड्स मिले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और फिर मेरा ये है कि अब जिस तरह के मैं आर्मी के साथ भी हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ भी हूँ, प्राइवेट लोगों के साथ भी हूँ, डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ हूँ, मतलब जो लोग चाहते हैं कि दे वांट टू चेंज, और आई एम अ ट्रेंड सेटर बेसिकली, आई एम ओनली डिज़ाइनर इन पाकिस्तान हु इज़ डूइंग इन सिग्नेचर लाइन डिज़ाइन। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं हमें एग्जीक्यूशन भी साथ करनी है, ठीक है, फिर हम आपको साथ डिज़ाइन करके दे रहे हैं। मेजॉरिटी
हमारा सिर्फ ये कि वी डोंट हैव अ प्रोडक्ट, लेकिन अगर किसी को चाहिए होता है तो हम उनको अरेंज जरूर करा देते हैं। इफ दे वांट कि एग्जीक्यूट भी करना है तो हम एग्जीक्यूशन भी करा देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो से। उसमें लेकिन डिजाइनिंग जो है वो मेरा एक पैशन था, जिस तरह मैंने शौक किया फॉर द टाइम पास मैंने स्टार्ट लिया था। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये एक प्रोफेशन बन गया है। नाउ इट्स लाइक बिग नेम के सबको पता है कि बियाज इंटीरियर इज लाइक एक किसी ने ब्रांड बन गया। कुछ भी चेंज करना है, कोई नई चीज लानी है तो आप बिया के पास जाएं। जना और मुईज चैलेंज लेकर आएंगे हमारे दोनों मेहमानों के लिए, गाने का चैलेंज होगा। हाँ जी, परेशान कुन बात है, इसीलिए हम ब्रेक ले रहे हैं। आप पश्तो में ब्रेक ले सकती हैं। ये आपके सामने कैमरा है, ये जो व्हाइट शर्ट पे भाई खड़े इनको आपने देखना है। पश्तो में बोल दीजिए, वापस आते ब्रेक के बाद। हूँ बॉस यो शॉर्ट ब्रेक पर कहूँ या फिर रजू ब्रेक पर। हाँ जी, वेलकम बैक टू के टू सर। बहुत मजा आ रहा है जी रिजवाना जी से गपशप लगा के, राबिया से बातें करके, और पश्तो में हमने ब्रेक ली और मैंने अचानक ही हमला किया लेकिन उन्होंने एक बॉल कैच कर ली और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ने ब्रेक लिया। असल में ये ख़वातीन इतना काम कर रही होती हैं, चाहे वो घर हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संभालना, ख़वातीन के डिपार्टमेंट को, इतनी कितनी मेम्बर्स हैं मैम आपके पास? 1000। 1000 ख़वातीन? 1000 ख़वातीन तो रजिस्टर्ड है। ओके। और उसके अलावा चूँकि हम कैपिटल में हैं तो वहाँ काफ़ी तकरीबन 30-40,000 ख्वातीन तो हैं जिनका हम हैंड होल्डिंग करते हैं, जाके डिफरेंट सिटीज में ट्रेनिंग। इतना काम कर रही हैं ख्वातीन? बहुत ज्यादा, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा, से भी ज्यादा। साइलेंट फोर्स भी कहा जाता है ख्वातीन को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली, जो ये काम कर रही हैं। अब ये क्या मुश्किल आती हैं किसी भी काम को आगाज करने? अगर 12 साल पहले हम जाएं, आप तो माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, सपोर्ट आपको मिली इफ्तिखार साहब, मैं बताना चाहूँगी सब जानते हैं कि इफ्तिखार अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे तो नहीं कहूँगी, अभी भी उनका काम जो है वो जिंदा है और बोलते हाथ जी, वो किया करते थे और इशारों की जुबान किया करते थे, और मेरा इनसे बचपन का ताल्लुक है, अभी भी बचपन ही चल रहा है हम लोगों का। हमारा बचपन ही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़े नहीं हुए, हम बड़े नहीं हुए। तो क्या 12 साल पहले जब आपको सोचा कि मैंने ब्याज कलेक्शन सॉरी ब्याज इंटीरियर शुरू करना है, क्या मुश्किलें आई थी? मुश्किलात ऐसा हुआ था कि जब मैं यहाँ आई थी, क्योंकि मैं पढ़ के आई थी बाहर से, जब आप बाहर से पढ़कर आते हैं और उसको जब आप काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में आके, तो वो पूरा सिस्टम ही चेंज होता है, सिस्टम भी, थॉट्स भी, लोग भी, हर चीज। अब वहाँ पे तो हमारा गाड़ी में बैठ के ही एक मीटर स्टार्ट हो चुका होता था, 30 मिनट्स की हमारी मीटिंग है तो हमने इतने चार्जेस लेने। यहाँ पे तो लोग कहते हैं जी आप चार्जेस किस चीज के ले रही हैं, नंबर वन यहाँ प्रॉब्लम। फिर लोग कहते थे आप पहले डिजाइन दिखा दें, अगर अप्रूव हो जाएगा तो हम आपको पे कर देंगे। हम डिजाइन दे के जब देते भी थे तो कहते थे नहीं अभी वो पसंद नहीं आया, विल लेट यू नो। और वो क्या होता था, वो डिजाइन होता जरूर था लेकिन वो पेमेंट ही नहीं होती थी। फिर तीसरी चीज लेबर, सबसे बड़ा जो इस वक्त आज तक 12 साल में जो एक चीज ठीक हो ही नहीं सकी, जो आज तक मैं फेस कर रही हूँ, वो है आपकी लेबर, आपके वेंडर्स और उनकी कमिटमेंट्स, उनकी सर्विस नहीं होती उनकी तरफ नहीं। अब होता ये कि देखिए एज अ डिजाइनर मैं तो अपना काम क्लाइंट को ऑन टाइम देती हूँ, वहां तक तो दे आर हैप्पी, मैम जबरदस्त आपका काम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जो लेबर है वो समझते हैं कि फीमेल है, एज अ फीमेल आपको ये प्रॉब्लम ऐसी, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में कम खवातीन है, आप कंस्ट्रक्शन में अगर जाएं तो आप खत्म हो, औरतों को बिल्कुल मतलब कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि उनके लिए आपको एक बड़ा एक स्ट्रांग बंदा चाहिए होता है, माय हस्बैंड इज बिहाइंड मी ऑलवेज, तो वो ही इज लुकिंग आफ्टर के सारे जो लेबर है, फाइनेंस है, वो करते हैं ना। मैं क्लाइंट से फाइनेंस की बात करती हूँ, फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों से पैसा निकलवाना मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, लोग पैसा ही नहीं निकालना चाहते। लोग कहते हैं जी गूगल है ना हमारे पास, हमारे पास तो इतने प्लेटफॉर्म है, हम उसको देखे आप किस चीज के पैसे लेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा आपका, हमें वी डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अल्लाह का शुक्र 12 साल जाके ये 3 साल पहले तक लोगों को कुछ अवेयरनेस आई। आपको पता है 8-9 साल 3 साल तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझें काम किया कि लोगों का, कि मुझे होता था कि इनको बताऊं कैसे, एजुकेट कैसे करूं कि इंटीरियर डिजाइनर इंटीरियर डिजाइनर है। और जो सबसे जो आपने कहा है ना प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को इंटीरियर डिजाइनर कहीं नहीं पता। स्टिल 12 साल पहले की तो लोग कहते थे क्या इंटीरियर डिजाइनर है ना, आर्किटेक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है तो हमें डिजाइनर क्यों हायर करना है। मैं कहती हूँ देखिये एक घर है वो डिजाइनर हाउस कहलाता है, आर्किटेक्ट हाउस नहीं कहलाता, वो डिजाइनर वेयर कहलाता है।
आप ये नहीं कहते कि टेलर, उस टेलर ने बनाया, डिजाइनर क्रिएटर है, डिजाइनर डिजाइन क्रिएट करता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर, डेकोरेटर जितने लोग हैं, डिजाइनर कभी नहीं कहेगा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ. डिजाइनर इज डिजाइनर. लेकिन आर्किटेक्ट, बाकी लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स ये कहेंगे वी आर डिजाइनर, हम डिजाइन कर. तो हमारी ना, हमें ये बहुत फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम. बिजनेस कामयाब होता है तो बहुत से लोग कॉपी कैट बन के वो काम शुरू, हमारा कॉपी होता है. लोग कहते हैं पेटेंट कराएंगे, कितने डिजाइन पेटेंट कराएंगे आप पाकिस्तान में, और लोग उसको कॉपी करके कहते हैं जी हमने ये काम किया है. अब ये किसी लिए मैंने सिग्नेचर पे कर दिया कि हमने एक डिजाइन करना है, वो दोबारा नहीं करना. बिल्कुल. तो जब करना ही नहीं, तो सबको पता है कि बियास का डिजाइन एक दफा होता है और वो लोग ले जाते. आई एम हैप्पी कि अगर लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये इल्म है जो मैं बांट रही हूँ. मेरे पास स्किल है, अल्लाह ने दिया है, और मुझे अब जो तकलीफें, जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमने फेस की है, अब उनको हम आगे ओवरकम कर रहे हैं कि दिल खोल के आप भेजें डिजाइन. सदका जारी, अल्लाह उतना ही आपको कामयाब करे. बिल्कुल सही. लेकिन जनाब, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ये बड़ा है. लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा. बिल्कुल सही. लोग, अच्छा अभी तो मुबारकबाद भी आपको मैंने देनी है. जो गाला आपने अरेंज किया था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ माशाल्लाह से. कितने स्टॉल थे उसमें, कहाँ कहाँ से खवातीन आई? हमारा जो था एक्सपो, 6 एक्सपो था एक्चुअली, और दिस वाज द बेस्ट. तकरीबन 165 स्टॉल्स थे उसके अंदर. जबरदस्त जी. और ख्वातीन जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मतलब सिंध की भी थी, स्कर्दू, स्वात, मुल्तान, डेरा गाजी खान, भावलपुर, गिलगित, बल्तिस्तान से, यानी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास पूरा पाकिस्तान ही आया हुआ था ना. जी जी जी. तो असल में यहाँ पे ये होता है, एक्सपो बेसिकली जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि ख्वातीन आके एक तो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, ठीक हो गया. दूसरा ये होता है कि उनको नेटवर्किंग मिले, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. तीसरी बात ये है कि बहुत सी ख्वातीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, क्योंकि हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ख्वातीन को ट्रेडिंग की तरफ लाएं, एक्सपोर्ट की तरफ, तो बहुत सी ख्वातीन का जो मटेरियल होता है या उनकी जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड का नहीं होता. तो उसमें ये होता है कि जब हम यहाँ पे ये आती हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी साथ साथ करें. प्राइसिंग का बहुत इशू है, क्योंकि ख्वातीन अक्सर ये समझती हैं कि अगर हम आएंगे तो हमारी सेल बहुत ज़्यादा होगी और वो 2000 की चीज़ 9000 पे बेच देंगी, तो ओवर प्राइसिंग होती है. तो वो साथ साथ उनको गाइड करना. सो एक्सपो का सिर्फ एक मकसद नहीं है कि जी ख्वातीन को ला के इकट्ठा करके उनकी सेल कराएं, बल्कि बहुत ज्यादा उसके अंदर डाइवर्स चीजें हैं जो हमें एक्सेस देते हैं, एक्सपोजर मिलता है, कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं. बिल्कुल ऐसा. और इस एक्सपो में साथ साथ हमारी पीछे पिचिंग कंपटीशन चल रही थी, पीछे हॉल में हमारी काफ़ी और एक्टिविटीज भी चल रही थी, जिसके अंदर के पैनल डिस्कशंस थी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस थी. तो ये एक्सपो काफ़ी ज़्यादा था. अभी जो हम लोग चाह रहे हैं, मतलब एक चेंबर्स की और हम लोग की एक ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी एक जगह दी जाए जहाँ पे ये हमारी एक डिमांड है, और हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जिसमें कि ख्वातीन आके अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करें. ठीक. और क्योंकि यहाँ पे एम्बेसीज भी हैं और यहाँ पे और लोग भी हैं, तो वो आके उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की तरफ ले. बिल्कुल सही जी. बात हो रही ख्वातीन की, तो आपको मिलाएंगे एक गाने के जरिए निहाल नसीम से, जिन्होंने बहुत पहले K2 TV परफॉर्म किया आके और अपने करियर का आगाज़ यहाँ से. यहाँ से बड़े बड़े स्टार्स जो हैं ना वो निकले हैं, और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम नए टैलेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं. और गाना है जी कमली और फलक शबीर इनके साथ होंगे. म्यूज़िकल ब्रेक ले रहे हैं, म्यूज़िक की तरफ आपको लेके जा रहे हैं जी. हम मुइज़ तो है ही है, नया सॉन्ग है आपको सुनाएंगे. आपको मैं मेंटली तैयार करी हूँ गाने के लिए. असल में अल्लाह पश्तों का गाना होगा, लेकिन पहले हम देखते हैं कमली. वाह जी वाह, फलक शबीर ना सिर्फ अच्छा गाते हैं बल्कि इनकी बड़ी क्यूट क्यूट सी वीडियोस आती है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, जो जाना पहचाना नाम है, अपनी बेटी के साथ. बहुत अच्छा लगता है कि एक फैमिली पर्सन है, एक फैमिली मैन, परफॉर्मर भी बड़े अच्छे हैं. और बाकी निहाल नसीम को भी आपने देख लिया, और वंडरफुल आर्टिस्ट जी, आवाज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त है. और अगर कोई मंझा हुआ आर्टिस्ट नए आर्टिस्ट को साथ लेके चले तो दोनों के लिए बड़ा अच्छा रहता है, एक नया प्लेटफॉर्म बनता है. नॉर्मली लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों,
खवातीन में ज्यादातर ये रुझान है कि नहीं कि थोड़ा सा तारीफ शरीफ हो जाए तो इनसे क्यों रो जाती है आसपास नेगेटिविटी आ जाती है। खाविंद की तारीफ हो जाएगी? खाविंद नहीं, खाविंद की बेशक होती करे तारीफ अपने खाविंद की। अच्छा, अपने खाविंद की कह रही हूं। अच्छा, जिनके एक दूसरे की, एक दूसरे की, हाँ ये डिपेंड करता है ना कि आपको ट्रस्ट कितना है। आपको ये पता है कि 100 तारीफें भी हों तो आपका ना बीवी ना खाविंद जो भी है वो कहीं नहीं जाता, तो फिर आपको खुशी होती है। लेकिन अगर आपको औरत को भी पता है, खाविंद बीवी को भी पता है, खाविंद को भी पता है कि ये कैसा है, ये कैसी है, अगर इसकी जरा सी तारीफ होगी तो ये आउट हो जाएगी, तो वो फिर उधर ये लड़ाई झगड़े और चीजें। अच्छा, मैं आप चेंबर से हट के बात करूं पर्सनल लाइफ के हवाले से, एक एक लाइन में अगर आप दोनों को खुद को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? रिजवाना जी, हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन योरसेल्फ इन वन लाइन? रिजवाना कौन है, क्या है? एजुकेशनिस्ट, ठीक है, लव टू टॉक, लव टू ट्रैवल, लव पीपल, जबरदस्त, इट्स ऑल अबाउट लव, लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तान जी। और आबिया, फॉर मी इज लाइक, हाँ वही बात है कि पॉजिटिविटी, ठीक है, वर्कोहोलिक, लर्नर, और एक्सप्लोर करना दुनिया को और हर चीज को। छोटा सा इब्ने बतूता आ गया हमारे पास। हाँ, इब्ने बतूता आ गया। और एक आदत, जी जी, और थोड़ा ये कि वेरी जेन्युइन, के मतलब के फेकनेस बर्दाश्त नहीं होती मुझसे बस। और फेकनेस, ये ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है। आप फेक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे लोग। हाँ, फेकनेस भी बर्दाश्त होती है। हाँ, और दूसरा नेगेटिविटी कुछ उन लोगों में बैठ के मुझे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। मुझे होता है जहाँ प्रोडक्टिविटी, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलने का की सारी जिंदगी ख्वाहिश रही और मैं ढूंढती रहती हूँ, उनके साथ बैठूं और सीखूं। जबरदस्त। एक आदत जो चेंज करनी है आप दोनों ने अपने बारे में, कोई एक आदत जिससे अपनी तंग आ गई है, सुबह आंख नहीं खुलती? परफेक्शनिस्ट, हर चीज परफेक्ट चाहिए। ठीक 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 ठीक, तंग आती है इसे? वो बास लोगों के लिए कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मतलब मुझे छोटी छोटी डिटेल्स भी मुझे नज़र आ रही होती हैं कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो जो है ना, वो बास दफ़ा गड़बड़ अपने लिए भी हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट अगर इंसान हो जाए ना, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम बहुत सही तरीके से करती हूँ, और जो अपने काम को मैं बहुत जिसको कहते हैं बखूबी, हर चीज, हर डिटेल, छोटी छोटी डिटेल, तो शायद मैं और लोगों से भी ये चीज एक्सपेक्ट करती हूँ जो मेरा स्टाफ है या जो और काम जो मैं कर रही हूँ प्रोजेक्ट्स, तो उसमें छोटी छोटी डिटेल्स। लेकिन बहुत से लोग ना वो जंप करते हैं कि हाँ जी चलो ये चीजें तो इग्नोर कर सकती है ना, ये चीज इग्नोर हो सकती है, तो उससे आप तंग होते हैं, लेकिन वो मतलब वो गड़बड़। और आबिया, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, उससे आप तंग होती हो अपनी आदत से? तंग नहीं होती इन चीजों से, बेसिकली मैं कुछ ज्यादा लोगों के साथ ना ट्रस्ट कर लेती हूँ। अभी तक नहीं सीखा ये सबक? हाँ नहीं, अभी तक नहीं सीख रही, टाइम लगेगा, ट्रस्ट कर लेती हूँ। हाँ, ये अभी तक मेरे अंदर एक फ्लॉ है, तो मुझे हर दफा ये लगता है कि शायद इस बार नहीं है, और वो हर दफा ऐसा होता है। और लॉयल्टी जो है कि मतलब मैं ये समझती हूँ बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, और वो ये कि और मैं ऑर्गेनाइज और पंक्चुअल बहुत ज्यादा हूँ एक्चुअली, तो बस टाइम को भी देखती हूँ कि जो टाइम है उसके ऊपर जब मैं काम कर रही हूँ तो लोग क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों मिस कमिटमेंट। और एक वो है ना कि डिप्लोमेसी होगी कि मिस कमिटमेंट है, सामने आप कुछ है, पीछे कुछ, लोग मानते भी नहीं है। ये चीज तो मैं बहुत ज्यादा, मुझे होता है कि बस जो बात अगर सामने है ना तो सामने कर दो, पीछे ना करो। सही है जनाब, और जरा देखते हैं कि लोग हमारे चैलेंज में कितना खरा उतरते हैं। और सॉन्ग होगा पंजाबी, इन दोनों को नहीं पता कौन सा गाना है, वही जो सॉन्ग है हमारा, वही जो सॉन्ग वही है, वही और हमारे साथ गाएंगी रिजवाना और राबिया गाएंगी और मैं गाऊंगी। जरा डिटेल बता दें गाना कौन सा, फौरन आप और मैं शुरू करेंगे ना? मैं शुरू करूं? हां जी, दैट्स दैट्स ये लगा। एक सेकंड, शुरू करें। मैम नूर जहां का सॉन्ग है, बहुत फेमस सॉन्ग है। वे सोने दया कंगना वे सौदा इको जया, वे सोने दया कंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया।
जबरदस्त, पास होगी, पास होगी, पास होगी, थैंक यू सर, बहुत जल्द एल्बम रिलीज करूंगी, करनी चाहिए है ना, ये काम भी करना चाहिए, बनता है, क्या बात है, जबरदस्त है, बनता है, एल्बम बनता है, बिल्कुल ढोलकी लेके साथ एल्बम। अच्छा, अब हम बात अभी करते हैं कि पुराने गानों के लिरिक्स, वो कंपोजिशंस वगैरह, तो आप मौका मिलता है आप दोनों को गाने सुनने का, फिल्में देखने का, पुरानी को, फेवरेट एक्टर वगैरह कौन है? अभी तो बहुत टाइम कम होता है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, फिल्में देखने का तो टाइम कम होता है, लेकिन म्यूज़िक तो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो मैं जब भी टाइम मिलता है सुनती हूँ, जी सुनती ज़रूर हूँ, बहुत मज़ा आता है, मज़ा जब भी सुनो वो आपको एक आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो रही होती है, एंड आई रियली एंजॉय, बड़ा मजा। फेवरेट सिंगर कोई पुराने वक्तों के? देखिए मैडम नूर जहां का अच्छा था, मेहदी हसन बहुत अच्छे, लता जी 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 ब्यूटीफुल। राबिया क्या करती है, गाने गाने सुनती है? गाने नहीं, मैं इतना नहीं, मैं शुरू अपने बचपन से ऐसे ही, फिल्में भी नहीं, ना ड्रामास, ना टीवी, ना खबरें, ना मूवीज, ना सिर्फ गाड़ी में वो एक रेडियो जो भी चल रहा होता है वो बस सिर्फ कान में सुनना होता है, लेकिन अगर मुझे कोई कहे ना कि कोई गाना बताएं, कोई सिंगर बताएं, तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं बिल्कुल इन चीजों से हटके ना कुछ। हाँ। और मेरा बस हर वक्त जो दिमाग होता है ना, आपकी फैमिली जो है वो मीडिया में सब है। सब शौकीन है, मदिया शौकीन, अब उसके ड्रामास आ रहे हैं माशाल्लाह, अभी उसका जो एआरवाई पे भी आ रहा है उसका। हाँ। बेबी बाजी 2 आ रहा है, गैर आ रहा है उसके, बड़े अच्छे ड्रामास आ रहे हैं। तुम्हारा अपना ध्यान नहीं है एक्टिंग की तरफ? नहीं, मुझे नहीं शौक था, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे काफी दफा ऑफर हुई है लेकिन एक्टिंग पे मैं गई, मैं नहीं जा सकी, बस मैंने कहा वैसे वही मैंने कहा ना कि मैं वो एक फेकनेस वो चीज वो कर ही नहीं सकती, तो शायद मैं एक्टिंग में भी नहीं जा सकती। अगर वो थोड़ा बहुत भी मुझे हो जाए ना कि हाँ ये एक्टिंग हो रही है, तो वो फिर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो लेकिन गानों का ये है कि मुझे पुराने गाने बिल्कुल पसंद हैं, जो हमारी मेमोरीज को लेकर आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड सुनते हैं, हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम अपने पसंद के गाने अपने एल्बम में लगाते हैं। गाना सुनाया हस्बैंड ने? कौन सा गाना सुनाया हमारा? कौन सा गाना? अब देखो मुझे, हमारा कपल सॉन्ग होता है ना कोई, वो नहीं इंडियन गाना है वो, तूने ना जाना मैं तेरा दीवाना कुछ वो है, उसका शाहरुख खान का था। शाहरुख खान है भाई, अच्छा सही है। तो वो मुझे सुनाते, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो वो लगाते हैं, तो मुझे याद आता है कि हाँ ये हम हमारी एक पुरानी मेमोरी से, तो हम दोनों ही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है, हम दोनों ही ऐसे रहना चाहिए। मेरे सब मेरी अगर कोई कोई लिटरली सब दो अच्छे लोग हैं, सबसे दोस्त है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कोई पूछते हुए कहती हूँ नहीं मेरे एक ही दोस्त है वो है माई हस्बैंड, सो स्वीट, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उनके साथ है भी माशाल्लाह, मतलब नाम लगता ही नहीं कि उनके लगी हुई हो। नाम क्या है? राहिल जिया। राहिल जिया, राहिल भाई जिंदाबाद, आप एक मिसाल है तमाम शौहरान के लिए। शौहरान तो वर्ड नहीं है, शौहरों के लिए। नहीं नहीं, इज वेरी सपोर्टिव, आज मैं उनकी वजह से हूँ, एक मेरे वालिद साहब, बिल्कुल, फिर मेरे क्योंकि भाई हमारा थानी, और फिर मेरी हस्बैंड, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि वो इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं वही कहती हूँ हर जगह वो सपोर्ट करते हैं, हर जगह मुझे कहीं प्रॉब्लम होती है मैं सबसे पहले उनको कि ये प्रॉब्लम है। और ये बहुत बड़ा एक सहारा होता है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे, बहुत फैमिली फैमिली की सपोर्ट बहुत चाहिए होती है। और मेरे ख्याल से जब भी कोई आप कोई भी औरत या कोई भी खातून जाती है इन प्रोफेशनल लाइफ, तो अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ना, ठीक, तो उसके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। मुझे भी बहुत सपोर्ट थी, सही, बल्कि एक वक्त ऐसा था जब मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, एंड आई वाज वर्किंग इन एक मल्टीनेशनल फर्म में मैं काम कर रही थी। अच्छा अच्छा। और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी मदर इन लॉ जब भी मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, तो जब भी मैं वापस घर आती थी ना, तो मुझे कहती थी अब कब जाना है तुमने। तो I used to feel very guilty. तो मैंने बिल्कुल पीक पे जब मेरा वहाँ पे करियर था, तो I said no, that's it. मुझे काम रोकना चाहिए इस वक्त के दे नीड में. तो मैंने वो छोड़ दिया काम, और मैंने मैंने सोचा कि मैं घर में टाइम, वो ये होता कि मैं सारा काम ख़त्म हो जाता 10 बजे तक, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, सारी ज़िंदगी मैंने काम किया। तो फिर एक दिन मेरी मदर इन लॉ आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें इस मिजरेबल हालत में नहीं देख सकती, कि तुम इतनी परेशान मुझे लगती हो कि, और तुम्हें क्योंकि वो जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनको गॉसिप करने का भी नहीं आता, खवातीन के साथ बहुत ज़्यादा उस तरीके का इंटरेक्शन भी नहीं होता या आता नहीं है, मुझे तो नहीं आता था, तो मैं क्या करूँ। सो शी पुश्ड मी एक्चुअली, तो इट वॉज माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड कि नहीं तुम जाओ,
तुम करो दोबारा से काम, सो दैट यू नो तुम हमें हम देख रहे हैं. तो इट वॉज माई फैमिली. बिल्कुल बिल्कुल जी. मी कि नहीं दोबारा करो. सो हमारे पास जी वक्त का मुकाबला सा टाइम बहुत कम रह गया है और देखिए कितना अच्छा वक्त गुजरा कि एक घंटा डेढ़ घंटा गुजर गया पता भी नहीं चला. आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया. रिजवाना जी आपका बहुत शुक्रिया. रहमत तुम्हारा बहुत शुक्रिया. हमेशा जब भी आती हूँ मजीद ग्लो कर रही होती हूँ. अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे, पॉजिटिव रखे. जरूर जरूर. एक पैगाम जो आप दोनों देना चाहें बारी बारी तमाम खवातीन को खास तौर पर, वो जरूर आप कहिएगा जी. पहले आप राबिया, फिर हम गाने की तरफ आएंगे. खवातीन को मैं यही पैगाम दूंगी कि अपने आप को ले के जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाती हैं तो सबसे पहले अपना पैशन देखें कि किस में आप परफेक्ट हैं और क्या आप कर सकती हैं. किसी को देख के उस किसी भी जगह पे जंप ना करें, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है, फाइनेंशियली भी आजकल बहुत इश्यूज हैं. तो फिर जब आपका नुकसान होता है तो आप बहुत तकलीफ में भी आती हैं, फिर डिप्रेस भी हो जाती हैं, आपके बच्चे भी आगे, आपका फैमिली भी बहुत सफर करती है. हमेशा उस काम को करें जिसमें आपका एक शौक है, आपकी लगन है और जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है. बिल्कुल. क्योंकि आपकी फैमिली अगर आपके साथ है ठीक है जी, तो फिर आप आगे चलें. अदरवाइज आप किसी भी काम में लोगों के ऊपर करेंगे रिलाई तो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर सच पॉजिटिविटी. रिजवाना जी क्या कहना चाहेंगी आप खवातीन के लिए स्पेशली? जी जी, जो दिल चुका है. मैं थोड़ा सा यूथ खवातीन दोनों के लिए है कि एक तो ये है कि यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि कोई चीज़ भी शॉर्टकट्स नहीं होते. ठीक है. यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसीजर और उस प्रोसीजर से आपको गुजरना है, आपके करियर भी बनेंगे, सब कुछ होगा. बिल्कुल सही. खवातीन के लिए जो मेरा एक पैगाम है, जो मैं इतना क्लोज खवातीन के नेटवर्क के साथ काम करती रही हूँ, उसमें यह है कि आपको जो भी काम है वो आपने करना है और ज़रूर करें. बिल्कुल सही. लेकिन आप जैसे चेंबर्स की मेंबरशिप ज़रूर लें ताकि आपकी मेंटोरशिप हो. ठीक है. तो ख़वातीन को काम ज़रूर करना चाहिए. और मैं कहती हूँ कि अगर हर खातून काम करना शुरू कर दे घर के अंदर एक, ठीक है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अदरवाइज तो आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है. रहनुमाई करने के लिए दे कैन ऑलवेज कम टू मी. इंस्टाग्राम फेसबुक पर है, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं. ये वो है जो कि फीस बिल्ला जो है रहनुमाई करती है. शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैं आप दोनों का जी. थैंक यू सो मच. इस तरह खुश रहे, आबाद रहे जी. और इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में आए. एम थ्रेड्स बाय मरियम का बहुत शुक्रिया फॉर द ब्यूटीफुल दुपट्टा. हारून एंड दानिया का बहुत शुक्रिया फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. इसी तरह से दूसरों का हौसला बढ़ाते रहें. किसी के लिए रस्ते खोलेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए जो है वो रस्ते खोलेगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. लेकिन उससे पहले मुईज़ सुनाएंगे हमारे इस शो का आखिरी गाना. मुईज़ कौन सा होगा? जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए. हो तूने मुझे कभी याद किया ना हम तुम्हें भूल न पाए. है तेरा इंतजार तू मिले एक बार मर के भी अब तेरा साथ नहीं छोड़ना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना.